हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ राइडिंग गियर्स के बारे में, जिनको हमें डेली ट्रैवल या फिर लॉन्ग राइड पे जाने से पहले ज़रूर पहनना चाहिए। इसमें सबसे पहली जो चीज़ रहती है वो रहता है हेलमेट, जो कि मेजर सेफ्टी प्रोवाइड करता है। उसके बाद दोस्तों हैंड ग्लव्स, बॉडी आर्मर या फिर बॉडी जैकेट, लेग को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों नी गार्ड या फिर शूज़ वगैरह जो कि अच्छी क्वालिटी के हो, एक्सीडेंट या फिर किसी भी क्रैश में आपको सेफली रखें। इस तरह दोस्तों आप देख सकते हो किस तरह इसका लुक है, और इसमें आपको काफ़ी मस्कुलर लुक मिलता है। जो जॉकेट है दोस्तों वो काफ़ी मस्कुलर लुक प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लव्स के बारे में। जो ये ग्लव्स हैं वो ब्रांडेड ग्लव्स हैं प्रो बाइकर के। इसमें आपको दोस्तों इस तरह से एंकल गार्ड मिलता है, और ये काफ़ी मजबूत भी है और ब्रीथेबल क्लोथ से ये बने हुए हैं, तो इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है। बॉडी आर्मर अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह से स्पोर्टी लुक मिलता है, एक मस्कुलर लुक मिलता है। इसमें सारे एडजस्टिंग के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, और काफ़ी अच्छा इसका लुक है। जब भी इससे गिरते हैं या फिर एक्सीडेंट होता है तो ये आपको ऊपर की तरफ से एकदम प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जो जॉकेट वगैरह रहती हैं उसमें क्या रहता है कि ऊपर की तरफ जो उसका कलर रहता है, जो कोटिंग रहती है, वो निकल जाती है, और उसके अंदर जो पैड रहता है फिर उसमें निशान आता है, वही आपको सेव करता है। लेकिन इसमें आपको जो पैडिंग रहती है वो ऊपर की तरफ मिलती है, बाहर की तरफ मिलती है, तो किसी भी तरह का डायरेक्ट इम्पैक्ट ये सह लेता है और आपको किसी तरह कोई नुकसान नहीं होने देता है। इसमें आपको इस तरह से आप इसको चाहें तो पीछे वाला पोर्शन निकाल सकते हो, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की राइड कर रहे हैं। स्टंट वगैरह करते हैं तो इसमें आपको पीछे से भी गिरने के चांसेस रहते हैं, तो इस तरह का इसमें आपको फुल सपोर्ट मिलता है पीछे की तरफ से, जिससे आपकी जो बैकबोन है उसको किसी भी तरह का डैमेज ना रहे। और अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको पैरों के लिए ये नी गार्ड मिलेंगे, जो कि आपके जो नी बॉल रहती है उसको सेफ कर रहे रहेंगे, और उसमें मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं रहती है। ये काफ़ी अच्छे हैं और किसी भी तरह का डायरेक्ट इम्पैक्ट ये सह सकते हैं। इससे होता यह है कि हमारी बाइक तो सेफली चलती है, साथ ही में हम भी सेफली रहते हैं। इसमें किसी भी तरह की रिस्क का चांस नहीं रहता है कि अगर आप गिर जाते हैं। और ओवर स्पीड की बात करें तो स्पीड में जब भी एक्सीडेंट होता है तो काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक उसमें घिसटते चले जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लग जाती है उस टाइम पे, हाथ वगैरह जो रहते हैं छुल जाते हैं पूरी तरह से। तो उसके लिए आप अगर इस तरह की सेफ्टी जो रहती है उसका अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको एक्सीडेंट में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। साथ ही में शूज़ वगैरह आप अच्छी क्वालिटी के पहनें, जिससे गिरते समय वो ख़राब ना हो और आपको डायरेक्ट आपकी बॉडी पे किसी भी तरह का नुकसान ना हो जाए। इस तरह से दोस्तों ये सारा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो इसका ऑल ओवर लुक देख सकते हो, मस्कुलर लुक है, और इसमें सेफ्टी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड होती है। ये आप देख सकते हो इसमें एडजस्टिंग का ऑप्शन है, साथ ही में ये पूरा आपको साइड से ऊपर से पीछे से सब तरह से लुक देता है और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। अगर आप इससे गिरते हैं तो आपको कहीं भी लगने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसमें दोस्तों कलर भी आते हैं, क्वालिटी भी आती है, जो डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप किस तरह से राइडिंग करते हो। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ देखना है या फिर परचेस करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ये नीचे की तरफ आप ये साइड पैडिंग देख सकते हो, ये स्लिप प्रोवाइड रहती है। मान लीजिए गिरते हैं, हाथ वगैरह जो है वो घूम जाता है और कई बार लग भी जाती है, तो जो ये है ये इसकी जो इलास्टिक रहती है ये आपकी हैंड वगैरह को ओवर रोटेशन होने से रोकती है, जिससे आपको किसी भी तरह का मस्कुलर डिफेक्ट नहीं होता है बॉडी में। और फ्रंट पोर्शन आप देख सकते हो इसका मस्कुलर चेस्ट लुक मिलता है। इसका जो क्लोथ है वो ब्रीथेबल क्लोथ है, इसको आप किसी भी तरह के कपड़ों के ऊपर पहन सकते हो। ये आपको ये पीछे की तरफ आपको ये नेक राउंड मिल जाएगा इलास्टिक जैसा। और सबसे मेन चीज़ इसमें ये रहती है हेलमेट, हेलमेट ज़रूर पहनना चाहिए। छोटे से छोटे ट्रेवल में हेलमेट का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मैक्सिमम जो डेथ होती है एक्सीडेंट में वो हेलमेट ना पहनने की वजह से होती हैं। और कुछ सेकेंडरी चीज़ें रहती हैं जो कि हमें सेफ रखती हैं, जैसे कि बॉडी आर्मर, ग्लव्स या फिर नी गार्ड वगैरह, शूज़। तो इसमें से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को देखना चाहते हो या फिर परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और ये जो जैकेट है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट प्रोडक्ट है और आपको काफ़ी बजट के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल आप इसका लुक देख सकते हो, इसमें आप पैडिंग वगैरह देख सकते हो। और ये जो चीज़ें दोस्तों हमें राइड पे जाने से पहले ज़रूर पहनना चाहिए जब भी हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये हमें सेफ लगती हैं हर कंडीशन में, किसी भी तरह के क्रैश में ये हमारी लाइफ को बचा लेती हैं। मेन चीज़ हेलमेट रहती है, तो हेलमेट का ज़रूर आप ध्यान रखें। और इसी तरह की और भी वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।